वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल आरवी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा पौधा स्पिरिचुअल पौधा होने के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट भी है। इसका नाम विष्णुप्रिया या शंख पुष्पी है। ये हमारे इष्ट को अत्यधिक प्रिय है दोस्तों, अब तक तो आप इसका नाम जान ही गए होंगे। ये हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। दोस्तों गर्मियाँ बहुत तेज पड़ रही हैं और अपराजिता का पौधा सूख भी रहा है। आपका पौधा सूख भी रहा होगा और उसमें इस तरीके से ग्रोथ भी नहीं आ रही होगी। अगर दोस्तों आपके पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है तो मैं आज आपको एक होममेड फर्टिलाइजर बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगा, जिससे इस तरीके से आपका पौधा फूल भी खिलाए और हरा भरा घना भी रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अपराजिता का पौधा मेडिसिनल प्लांट है और हम लोग इसकी हर्बल टी भी बना के पीते हैं। इस तरीके से देखिए, ये हमारे ब्लड शुगर को और कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को भी बहुत कंट्रोल करके रखती है और नजला जुखाम भी सही करके रखती है। आप दोस्तों इसकी हर्बल टी भी बना के पी सकते हैं। और दोस्तों चलिए अब हम इसकी कुछ केयर टिप्स भी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो ये अपराजिता का पौधा है, बेल वाला पौधा, बहुत नाजुक पौधा है। तो दोस्तों जब आप इसको पॉट में लगाएं तो आप जरूर उसमें ध्यान रखें कि इस तरीके से सपोर्ट लगाना ना भूलें। आप जब इसमें सपोर्ट लगाएंगे तो ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। देख सकते हैं आप कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इधर से इसकी बेल जो है बढ़ रही है। सपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों सपोर्ट लगाना ना भूलें। और इसकी दोस्तों दूसरी केयर टिप्स जो है, इसमें जो ये फूल खिलते हैं एक दिन तक खिले रहते हैं, एक दिन खिलने के बाद इस तरीके से दोस्तों सूख जाते हैं। देखिए अगर आपने ये फूल अगर नहीं तोड़ा तो इस तरीके से ये फली बन जाएगा निश्चित रूप से। दोस्तों अगर आप इसमें फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। अगर आपने नहीं निकाला तो फली बनेगा और फली देखिए जब ये सूखने लगेगी तो यह सीड पॉट भी तैयार हो जाएगा और सारी एनर्जी पौधा इसमें लगाने लगेगा। और अगर आप दोस्तों अगले मौसम के लिए सीड्स चाहते हैं तो आप एक दो ऐसे सीड पॉट छोड़ सकते हैं नीचे, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसी ये फलियां तोड़ के निकाल लें। आप फलियां निकालेंगे जितना उतनी ज़्यादा ये आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। ये देखिए मैं ऐसे हर रोज़ निकाल लेता हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ फूल तोड़ के निकाल लूँ, अगर कुछ छूट भी जाता है तो ये फलियां मैं बाद में तोड़ लेता हूँ। टिप नंबर 3 जो है, इसमें जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जा रही हैं उन्हें काट के निकाल लेना है, मतलब प्रूनिंग कर लेनी है इस तरीके से। जब दोस्तों जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो इसमें ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी। जितनी भी जो लंबी लंबी बेल वाली ब्रांचेस हैं ये इसको काट के जरूर निकाल लीजिए। इससे आपकी जो है जो ये बेल चल रही है एक से डबल हो जाएगी और ये बहुत घना होता हुआ आपका पौधा चला जाएगा और बूजी भी होता चला जाएगा। तो आपको इसको काटना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 4 इसकी सॉइल के बारे में है। इसकी सॉइल दोस्तों जो है पोरस होनी चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान खास ख्याल रखना है कि इसमें पानी रुके ना, अत्यधिक पानी हो जाता है तो इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है। तो दोस्तों आपको खास ख्याल रखना है कि इसमें मॉइस्चर भी हल्का बना रहे और पानी ज़्यादा ना हो। ओवर वाटरिंग से भी बचना है और मॉइस्चर भी बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है अगर आपके पास राइस खस्क है तो राइस खस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नारियल के छिलके हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं और इससे इस तरीके से ढक सकते हैं जिससे इसमें नमी बनी रहेगी। और दोस्तों सबसे ज़रूरी इसके अंदर जो इसकी मिट्टी है वो एसिटिक मीडियम की होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए मैंने ये ले रखी है चाय की पत्ती है, इसको हल्का सा डाल देंगे तो इसकी मिट्टी एसिडिक भी बनी रहेगी। तो मैंने अभी इसकी मिट्टी को कोड़ लिया और इस तरीके से इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है जो इसको ग्रोथ कराती है बहुत। और ऐसे आप डाल दीजिए, डालने के बाद इस तरीके से ढक दीजिए आप, इससे ऐसे आप ढक देंगे हल्का सा, इससे इसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा। अभी मैं दोस्तों जो आप फर्टिलाइजर बताऊंगा उसको डालने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगा। चलिए दोस्तों अब हम इसके टिप नंबर 5 की बात कर लेते हैं। दोस्तों टिप नंबर 5 जो इसका फर्टिलाइजर है, इसको किस तरीके से फीड करना है। दोस्तों ये गर्मियों का पौधा है तो इसको हैवी फीडर भी देना पड़ता है। दोस्तों हम इसमें हर 15 दिन पर या तो ओनियन पील का फर्टिलाइजर दे सकते हैं या फिर केले का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और दोस्तों इसकी ग्रोथ के लिए ये सबसे ज़रूरी मस्टर्ड केक का पाउडर है, इसको अगर आप देते हैं तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। ये देखिए दोस्तों मैंने अपने इस पंगले को कोड़ लिया अच्छे से मिट्टी को। ऐसे मिट्टी को कोड़ने के बाद आप इसके अंदर इस पाउडर को हल्का हल्का छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद इसको हल्का पानी देने के बाद फिर ढक देंगे। हमने ये जो रखा हुआ अब हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसमें हल्का पानी देंगे। आपको खास ख्याल रखना है इस फर्टिलाइजर को देते हुए कि इसको जड़ों से दूर दें, क्योंकि ये बहुत गर्म खाद होती है। और कोशिश करना है इसको कम से कम महीने में एक ही बार दें। अगर आप इसको बार बार देंगे तो ये जहाँ फ़ायदा करने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगेगा, क्योंकि ये बहुत गर्म खाद होती है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने पौधे में मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर दीजिए और इस तरीके से बहुत ही अच्छी सुंदर ग्रोथ पाइए। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर की यही खासियत होती है, ये पौधे की ग्रोथ के साथ साथ इसमें फूल भी खिलाता है। मैं देख सकते हैं आप मेरे इस पौधे में, ये बहुत छोटा सा पौधा, कितने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं।
अगर दोस्तों आप भी इस तरीके से फूल खिलाना चाहते हैं अपने पौधे पर इतनी गर्मियों में भी, तो आप इस मस्टर्ड केक के फर्टिलाइजर को यूज करिए और इसके साथ साथ इसमें चिया पत्ती का फर्टिलाइजर भी दीजिए, जिससे आपकी मिट्टी एसिडिक होगी और इस तरीके से आपके फूल खिलेंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए और दोस्तों कमेंट में करके बताइए कि ये वीडियो में कौन सा पौधे को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।